कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक भयानक खबर बताने वाला हूं कि बीजेपी अध्यक्ष के सामने बीजेपी के कार्यकर्ता ने महिला पुलिसकर्मी से दिल्ली एनसीआर में छेड़छाड़ की और छेड़छाड़ का आरोपी, बदसलूकी करने का आरोपी, मोलेस्टेशन शोषण करने का जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया है पुलिस ने। ये पूरी खबर विस्तार से बताऊंगा कि कौन है आरोपी, किसके साथ छेड़छाड़ हुई है और अब क्या फैसला होना है, क्या हुआ है उस आरोपी के साथ। लेकिन उससे पहले सोचिए, मैं इसीलिए कहता हूँ कि जब तक एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग सत्ता में नहीं होती है क्या हालत होती है। बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जरूर गठबंधन में है, सीएम है, थोड़ी लोक लाज बची हुई है। झारखंड में हेमंत सोरेन शानदार काम कर रहे हैं, वहाँ भी कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। लेकिन वही कांग्रेस जिसके ओबीसी सीएम, ओबीसी डिप्टी सीएम है एमपी में, एक चौंकाने वाली खबर आई है वो भी बताऊंगा। लेकिन आज मैं मध्य प्रदेश आया था, मध्य प्रदेश के लोग आरोप है कि सत्ता भले अब कांग्रेस के पास आ गई है लेकिन जो हुक्मरान है, जो पूरी ब्यूरोक्रेसी है वो अभी भी बहुजन विरोधी है। मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी को, राहुल गांधी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, उनके जहाँ जहाँ सीएम है उन पर भी बात करनी चाहिए। वहीं भोपाल के जो सीएम हैं कांग्रेस के ही हैं, माफ किया, छत्तीसगढ़ के, वो ओबीसी हैं भूपेश बघेल। उन्होंने आज एक बड़ा बयान दिया है कि छोटा भाई मोटा भाई तय करे कि झूठ कौन बोल रहा है। छोटा भाई मतलब होता है मोदी साहब कह रहे हैं कि भाई, अमित शाह कह रहे हैं कि NRC लागू करेंगे, NPR लागू करेंगे, CA लागू करेंगे। मोटा भाई मतलब नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि वो सब कैबिनेट में चर्चा ही नहीं हुई। तो सोचिए कितनी बड़ी झूठ है लोग बोलते हैं। मध्य प्रदेश में CM जो हैं वो आपको बता दे कि दिल्ली से इनको छोड़ने जा रहे हैं। CM जो हैं आपको बता दे कि कमलनाथ हैं, लेकिन बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ लोगों को, प्रोटेस्टर्स को, और परमिशन तक नहीं मिल रही है। वहीं राजस्थान की सबसे भयानक खबर है कि पिछली सरकार में जो बीजेपी की सरकार थी उसमें जो नौकरियां नहीं दी गई, SC ST OBC का जो आरक्षण लागू नहीं हुआ, वो इस सरकार में जब कांग्रेस सरकार है तो कहा जा रहा है कि उसकी भरपाई जो है वो जनरल कोटे के लोग करेंगे। अब उस सीट पर जो बैकलॉग है SC ST OBC का, वो जनरल कोटे के लोगों से भरा जाएगा। तो सोचिए कितनी बड़ी विडम्बना है। मुझे लगता है बहुजन समाज को विरोध करना चाहिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को ट्वीट कीजिए, और वो जो UP जाती हैं अब उनको राजस्थान पर भी ध्यान देना चाहिए, वहाँ की इस तरह की बातें हो रही है। तो आप लोग की भी जिम्मेदारी है कि आप लोग ट्वीट कीजिए और इसको खबर पहुँचाइए आला कमान तक कि भैया वोट आप लेते हैं SC ST OBC से, जनरल वाला आपको वोट देता नहीं है। जनरल अभी वोट जा रहा है राम मंदिर के नाम पर बीजेपी के साथ, आपको वोट SC ST OBC करता है, लेकिन जब उसके हक की बात आती है तो लब्बो लू आप कहो वैसे आपकी स्थिति भी वही हो जाती है। इसलिए मान्यवर कहते थे सामना भागना, लेकिन मैं समझ रहा हूँ अभी जान बचाने की लड़ाई है। इसीलिए चूँकि बहुजनों के पास कोई सशक्त पार्टी नहीं है, जो पार्टियाँ हैं वो बहुत रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं, इस वजह से सब हो रहा है। अब जो सबसे बड़ी खबर है नोएडा में, सोचिए नोएडा में JP नड्डा जो BJP के नए अध्यक्ष बने, उनका स्वागत समारोह था और वहाँ एक महिला पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी हुई है, छेड़खानी हुई है। ये पुलिस का वर्जन है और राष्ट्रवादी चैनल News 18 पर ये खबर मैंने पढ़ी है। आरोपी का नाम नहीं बताया गया है क्या है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो सोचिए कि जो लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो भाषा CM योगी आदित्यनाथ की है महिलाओं के लिए, खट्टर की है, जो भाषा आपको बता दे कि गिरिराज सिंह एक एंकर को गाली देते हैं बहन के और सरेआम ऑन एयर, तो ये समझना पड़ेगा आपको कि ये कौन लोग हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ सत्ता के यार के लोग हैं, इनको सत्ता चाहिए और उसी के लिए तमाम तरह की, ये जो NRC किया जा रहा है, मुझे जब मैं आज भोपाल आया हूँ मुझे समझ में आ रहा है कि NRC CA किसी को कोई बाहर नहीं निकालेगा। दरअसल ये SC ST OBC को हिंदू बनाने का एक नया सलूफा है और वो जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा जब तक नहीं चलेगा तब तक उनकी जीत नहीं होगी। तो ये भी उसी की एक कड़ी है और वो चाहते हैं कि SC ST OBC को भड़काया जाए। और यहाँ तक खबरें फैलाई जा रही है कि मुसलमान की संपत्ति छीनकर SC ST OBC को देंगे। सोचिए जिसने, जो लोग महाभारत को अपना मानते हैं, जिसने अपने भाई को, एक भाई दुर्योधन ने कहा कि सुई बर नोक नहीं दूंगा, वो वैचारिक लोग हैं ये लोग।
और आपको खाक देंगे। इनसे कहिए कि पहले तुम अपने वाला जो तुम्हारे पास है उसमें हिस्सेदारी दो, तब तुम्हारी बातों पर भरोसा करेंगे। तो आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिए। जाते जाते एक बार, आज मैं सीहोर में था, बाप सब लोग के हाथ में संविधान था, तो पहले सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोग संविधान मानते थे, अब मुसलमान भी मानने लगे हैं। जिस दिन इतनी जागरूकता OBC और ट्राइबल में आ जाएगी, यकीन मानिए इस देश में सम्राट अशोक की तरह बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जो बुद्ध की समझ थी उसका राज होगा। और जिस तरह से हेमंत सोरेन काम कर रहे हैं वैसे ही SC OBC के लोग काम करेंगे। तो बाबा साहब के बारे में एक और बात बता दो। आज मैं सोच रहा था कि बाबा साहब ने एक ऐसा संविधान लिख दिया है जो हमारे शरीर पर कपड़ा लत्ता खाना स्कूल कॉलेज अमीरी नहीं तो मंदिर मस्जिद तो हम भटक ही रहे थे, और हमारी आने वाली कितनी पीढ़ियाँ अगर हम संविधान बचा लेंगे तो न जाने कितनी पीढ़ियों को उन्होंने अपना आशीर्वाद उसका भला किया है। जब भी एक कल्पना कीजिएगा अगर संविधान नहीं होता तो हम 85% मूल निवासी लोग गुलाम होते। बाबा साहब ने कितना बड़ा उपकार किया है महिलाओं पर SC OBC पर, और कितना बड़ा उपकार किया है उन सवर्ण गरीबों पर भी जिनका गरीबी की वजह से शोषण होता है। तो बाबा साहब ने शोषित समाज के लिए, चाहे वो जाति के आधार पर शोषण हो, चाहे वो धर्म के आधार पर शोषण हो, चाहे महिलाओं के साथ शोषण हो, चाहे गरीब के नाम पर शोषण हो, कितना सबका उद्धार किया, कितने विजनरी आदमी थे आप कल्पना कीजिए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, हमें अपनी राय जरूर बताइए कि आप लोग की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।